माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज़। शहर हैदराबाद में नमक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बात का फायदा उठाते हुए दुकानदार अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और 400 रुपए किलो के हिसाब से गरीबों को बेवकूफ बनाकर बेच रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया याखुदपुरा रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में देखने को मिला, जहां पर रैन बाजार सब इंस्पेक्टर गोविंद ने खवातीनों के साथ बदसलूकी की और उनको लातें भी मारी। एक तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस नंबर कमिश्नर का दावा है कि फ्रेंडली पुलिस है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह इस इंस्पेक्टर ने गरीब आवाम पर बदतमीजी और बदसलूकी करते नजर आया। अब देखना यह है कि इंस्पेक्टर गोविंद पर सिटी पुलिस कमिश्नर क्या कार्रवाई करेंगे। नाजरीन, फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि इस तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें, बल्कि जो भी दुकानदार ज्यादा दाम में नमक बेच रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहरहाल शहर के हालात देखकर पुलिस ने बंदोबस्त लगाकर सारी दुकानें बंद करा दी। शहबाज बाबा और मोहम्मद गौस के साथ मैं MS अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। हेलो, सबर सबर, वो जल्दी में दिख रहे हो तुम। फ्री का नाम तुम्हारा क्या? प्रॉब्लम क्या, कौन से एरिया से बोल रहे हो? वालेकुम, मैं भोला नगर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भोला नगर से बात कर रहा हूँ। ये गलत अफवाह पे जो है ना, लोग रात भर में नमक खरीद रहे। गलत अफवाह, जी न्यूज में भी बताया गया है कि गलत अफवाह। उत्तर प्रदेश में जो है ना, नमक धड़ाधड़ बिक रहा है, 300 रुपये 400 रुपये किलो, बल्कि ये गलत अफवाह है, बल्कि जी न्यूज वाले भी बताए। फिर भी जो है ना, शहर हैदराबाद में जो है ना, 50 रुपये 100 रुपये किलो हो गया अभी नमक, जो ना बेतरले कैसे खरीद रहे। मत खरीदो नमक, गलत अफवाह है। सुबह में आराम से इत्मीनान से जो है ना, पेपर पढ़ने के बाद नमक लिया जाए, न्यूज़ चैनल देखे जाए, न्यूज़ सही सुने, सुन के जो है ना नमक लियो। और बिला वजह के जो है ना नमक खरीद रहे हो, गलत अफवाह पे जा रहे हैं आप लोग। इसका जहन में रखिए, ये गलत अफवाह है। नमक महंगा नहीं हुआ, गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर चुकी है महंगा, नमक महंगा नहीं है बोल के। अब गलत अफवाह पे मत जाए। ये हम लोग नमक की पार्टी लेके बता रहे हैं कि अभी दुकान बन गई है, तो जो है ना गलत अफवाह है, बल्कि न्यूज़ में डालने के लिए ये डिक्लेरेशन किए हम। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि नमक महंगा नहीं हुआ है, आप महंगा मत खरीदो नमक, ये गलत अफवाह है। पहले लोगों का खाने को पैसे नहीं है, चिल्लर पैसे, फिर नमक में फंसाएंगे पैसे तो और टाइट हो जाएंगे हाथा। लोग मत नमक खरीदो। फॉर एग्जाम्पल क्या रेट से बिक रहा है अभी? अभी 50 रुपये 70 रुपये किलो होगा अभी एक घंटे में नमक। कितने की पैकेट है वो? ये 18 रुपये की पैकेट है, 15 रुपये 18 रुपये की पैकेट है, जिसे 60 रुपये में बिक रही है अभी किलो खत। एक डेढ़ घंटे में इतना रेट बढ़ गया, नमक मत खरीदो लोग, ये गलत अफवाह है, गलत अफवाह पे मत जाए। तमाम लोगों से गुजारिश है हमारी कि गलत अफवाह पे ना खरीद ना जाए, ये सोशल मीडिया पे ध्यान ना दे, डायरेक्ट न्यूज़ सुने। न्यूज़ सुन के जो ना गलत कदम उठा रहे, जी न्यूज़ पे सुने, सही न्यूज़ बताए वो लोग, लेकिन वो न्यूज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे। जी न्यूज़ वाले बताए कि नमक महंगा नहीं है, सही है, उत्तर प्रदेश में गलत अफवाह उठने से महंगा हो गया बोले नमक, तो ये गलत अफवाह पे ना जाए। नमक सस्ता है, 18 रुपये 15 रुपये किलो ही है, मत खरीदो नमक, खरीदने से ज़्यादा खरीदने से और महंगा हो जाएगा, मत खरीदो। ये नमक से बात भाई, कैसा लिया नमक? 200 रुपये किलो।
कैसा मालूम है आपको रेट बढ़ा हुआ मालूम हुआ पूरी पब्लिक जो है सो हलचल मचाई तो जो है सो हम भी निकले तो 200 रुपए किलो मिला कितने किलो लिया आपने चार किलो नंबर लिए 400 रुपए 200 800 रुपए देंगे 800 रुपए का नंबर 800 रुपए दिए 800 रुपए भाई कहना दे रहे नमक आप नमक शक्कर खत्म हो गया लोगो लामा नमक शक्कर कोई नहीं है भाई नमक कैसा किलो दिए आप अभी नमक खत्म हो गया 12 रुपए किलो बेचे नहीं अभी अभी आपसे खरीदेगा तो 200 रुपए किलो क्राइम टुडे न्यूज एक अफवाहों पे जो ध्यान जो पब्लिक दे रही है क्राइम टुडे न्यूज ये बताना चाह रही है कि ये अफवाह है जिससे पब्लिक को काफी मुश्किल और नुकसान का है ये अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये एक ऐसी चीज है नमक बगैर इसके जो सब कोई साला नहीं पकता कोई खाना नहीं पकता कोई पब्लिक जो है इसको जबरदस्ती 200 रुपए किलो जो है दुकानदार इसको बेच रहे हैं इसका फायदा उठा रहे हैं मगर क्राइम टुडे न्यूज आपको बताना चाह रहा है कि ये अफवाह है इस पे ध्यान मत दीजिए मैं शहबाज बाबा क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज मुझे इजाजत दीजिए मैं जारा शेख ये है कि इंस्पेक्टर गोविंद पर सिटी पुलिस कमिश्नर क्या कार्रवाई करेंगे नाजरीन फूड मिनिस्टर रामविलास पासवान ने मीडिया से मुखातिब होकर बताया कि इस तरह की अफवाहों पर यकीन ना करें बल्कि जो भी दुकानदार ज्यादा दाम में नमक बेच रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी बहरहाल शहर के हालात देखकर पुलिस ने बंदोबस्त लगाकर सारी दुकानें बंद करा दी शहबाज बाबा और मोहम्मद गौस के साथ मैं MS अली क्राइम टुडे न्यूज हैदराबाद नमक धड़ाधड़ बिक रहा है 300 रुपए 400 रुपए किलो बोल के ये गलत अफवाह है बोल के जीनियस वाले भी बताए फिर भी जो है ना शहर हैदराबाद में जो है ना 50 रुपए 100 रुपए किलो हो गया अभी नमक जो है ना बेतरले कैसे खरीद रहे मत खरीदो नमक गलत अफवाह है सुबह में आराम से इत्मीनान से जो है ना पेपर पढ़ने के बाद नमक लिया जाए न्यूज़ चैनल देखे जाए न्यूज़ सही सुने सुन के जो है ना नमक लियो और बिला वजह के जो है ना नमक खरीद रहे हो गलत अफवाह पे जा रहे हैं आप लोग इसका जहन में रखिए ये गलत अफवाह है नमक महंगा नहीं हुआ गवर्नमेंट भी डिक्लेयर कर चुकी है महंगा नमक महंगा नहीं है बोल के अब गलत अफवाह पे मत जाए ये हम लोग नमक की पार्टी लेके बता रहे हैं कि अभी दुकान बंद की है तो जो है ना गलत अफवाह है बोल के न्यूज़ में डालने के लिए ये डिक्लेरेशन किए हम अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि नमक महंगा नहीं हुआ है आप महंगा मत खरीदो नमक ये गलत अफवाह है पहले लोगों का खाने को पैसे नहीं है चिल्लर पैसे फिर नमक में फंसाएंगे पैसे तो और टाइट हो जाएंगे हाथा लोग मत नमक खरीदो फॉर एग्जाम्पल क्या रेट से बिक रहा अभी अभी 50 रुपए 70 रुपए किलो होगा अभी एक घंटे में नमक 100 रुपए कितने की पैकेट है भाई ये 18 रुपए की पैकेट है 15 रुपए 18 रुपए की पैकेट है इसे 60 रुपए में बिक रही है अभी किलो खत एक डेढ़ घंटे में इतना रेट बढ़ गया नमक मत खरीदो लोग ये गलत अफवाह है गलत अफवाह पे मत जाए तमाम लोगों से गुजारिश है हमारी कि गलत अफवाह पे ना खरीद ना जाए ये सोशल मीडिया पे ध्यान ना दे डायरेक्ट न्यूज़ सुने न्यूज़ सुन के जो ना गलत कदम उठा रहे जी न्यूज़ पे सुने सही न्यूज़ बताए वो लोग लेकिन वो न्यूज़ का गलत फ़ायदा उठा रहे जी न्यूज़ वाले बताए कि नमक महंगा नहीं है सही है उत्तर प्रदेश में गलत अफवाह उठने से महंगा हो गया बोले नमक तो ये गलत अफवाह पे ना जाए नमक सस्ता है 18 रुपये 15 रुपये किलो ही है मत खरीदो नमक खरीदने से ज़्यादा खरीदने से और महंगा हो जाएगा मत खरीदो लिया नमक शहबाज भाई कैसा लिया नमक 200 रुपए किलो कैसा मालूम है आपको रेट बढ़ा हुआ मालूम हुआ पूरी पब्लिक जो है सो हलचल मचाई तो जो है सो हम भी निकले तो 200 रुपए किलो मिला कितने किलो लिया आपने चार किलो नमक लिए 400 रुपए 200 800 रुपए 800 रुपए का नमक 800 रुपए दिए अस्सलाम वालेकुम अभी आपके खिदमत में पेश है क्राइम टुडे
न्यूज देखते रहिए माशरे के खामियों को और सरकारी महकमों की लापरवाहियों को उजागर किया जा रहा है। मैं जारा शेख, क्राइम टुडे न्यूज। शहर हैदराबाद में नमक को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है। इस बात का फायदा उठाते हुए दुकानदार अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं और 400 रुपए किलो के हिसाब से गरीबों को बेवकूफ बनाकर बेच रहे हैं। ऐसा ही एक शर्मनाक वाकया याखुदपुरा रैन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में देखने को मिला, जहां पर रैन बाजार सब इंस्पेक्टर गोविंद ने खवातीनों के साथ बदसलूकी की और उनको लातें भी मारी। एक तरफ हैदराबाद सिटी पुलिस नंबर कमिश्नर का दावा है कि फ्रेंडली पुलिस है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि किस तरह इस इंस्पेक्टर ने गरीब आवाम पर बदतमीजी और बदसलूकी करते नजर आया। अब देखना ये गरीब जो गरीब है, मेहनत करके खाने वाले हैं, माधु पत्नी जो कमा के खा रही, उन लोग परेशान है। अब नमक 1000 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, वो तो हम गरीब कहाँ से लाके खाना। हाँ, ये गवर्नमेंट का काम है, उसने खबरों में बता दिया ऐसा, इतने किलो नमक है बोल के हम खाना पानी छोड़ के निकले हम। हाँ, अब दुकाना बंद है, नमक खरीदने भी आए तो दुकाना बंद है। कल के दिन 1000 रुपए किलो बेचेंगे तो हम कहाँ से लेके खाएंगे। हाँ, ये सरकार क्या कर रही, खाली झक मारा रही है सरकार, गरीबों को परेशान कर रही। बोलो, सबर सबर, वो जल्दी में दिख रहे हो तुम। फ्री का नाम तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन से एरिया से बोल रहे हो? वालेकुम, मैं भोला नगर से बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं भोला नगर से बात कर रहा हूँ। ये गलत अफवाह पे जो है ना, लोग रात भर में नमक खरीद रहे, गलत अफवाह है। जी न्यूज़ में भी बताया गया है कि गलत अफवाह है। उत्तर प्रदेश में